आज T20 वर्ल्ड कप 2021 के तहत भारत और अफगानिस्तान के बीच में मुकाबला खेला जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी कप्तान विराट कोहली टॉस हार गए। अफगानिस्तान ने टॉस जीतने के बाद हर टीम की तरह पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया, लेकिन अफगानिस्तान को क्या पता था कि आज भारत के खिलाड़ी अलग ही अंदाज में देखने को मिलेंगे। भारत के खिलाड़ी जो पिछले दो मुकाबलों में कॉन्फिडेंट नहीं दिखाई दे रहे थे, आज उन्होंने शानदार कदमों का इस्तेमाल करते हुए छक्के मारे, चौके मारे और भारत का स्कोर 20 ओवर समाप्त होते होते एक पहाड़ जैसा स्कोर लगने लगा। अफगानिस्तान का इस स्कोर तक पहुंचना नामुमकिन लग रहा है, हालांकि इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, तो ऐसे में काफी मुश्किल है अफगानिस्तान के लिए इस मैच को जीतना। ऐसे में आपको बता दें, आज हिटमैन रोहित शर्मा और केएल राहुल दोनों ने ही शानदार ओपनिंग की, दोनों के लिए ही एक लाइक तो बनता है। और आप बताइएगा कि किसकी बैटिंग आपको लगी मैच में सबसे अच्छी। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि अफगानिस्तान ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया था और ये गेंदबाजी करने का फैसला उनके ऊपर ही भारी पड़ गया। भारत की ओर से सलामी बल्लेबाजों ने शानदार ओपनिंग की, जहां केएल राहुल ने 48 गेंदे खेलते हुए 69 रन बनाए, तो वहीं रोहित शर्मा ने इनसे भी ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा ने 47 गेंदे खेलते हुए 74 रन बना डाले, इसमें उन्होंने 3 छक्के और 8 चौकों की मदद ली। वहीं ऋषभ पंत ने 13 गेंदे खेली और 27 रन बनाए, इस प्रकार से इनकी स्ट्राइक रेट भी 200 के पार रही। हार्दिक पांड्या जो लगातार इतने दिनों तक फॉर्म में नहीं नजर आ रहे थे, वे भी आज काफी अच्छी फॉर्म में नजर आए। हार्दिक पांड्या ने 13 गेंदे खेली और 35 रन बनाए, इनकी स्ट्राइक रेट 250 से भी पार थी और यूं कह सकते हैं लगभग 270। हार्दिक पांड्या ने 2 छक्के और 4 चौके अपनी पारी के दौरान लगाए। अब अफगानिस्तान की गेंदबाजी में ज्यादा कुछ देखने को तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं कि अफगानिस्तान की ओर से भी एक गेंदबाज ने अर्धशतक जरूर लगाया। अफगानिस्तान की ओर से नवीन उलक ने 4 ओवर के अंदर सर्वाधिक रन लुटाए और उन्होंने 4 ओवर के अंदर 59 रन भारत को दिए। इस प्रकार से उनकी इकोनॉमी रेट होती है 14.75, इस प्रकार से काफी महंगे साबित हुए। अगर हम बात कर ले उन दो गेंदबाजों की जिन्हें विकेट हासिल हुआ है, तो वो है नेब और जन्नत, दोनों को ही एक एक विकेट हासिल हुआ। सबसे अगर इकोनॉमिकल बॉलर की बात कर ले तो वे रहे हमारे सामने मोहम्मद नबी, उन्होंने हालांकि 1 ओवर डाला और 7 रन दिए। वहीं जन्नत ने भी 1 ओवर डाला और 7 रन ही दिए, ऐसे में दोनों की इकोनॉमी रेट 7 रही और जन्नत ने एक विकेट भी लिया है। इस प्रकार से अभी तक के, यानी कि जो हाफ टाइम हुआ है, पहली इनिंग हुई है, वहां तक के कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स आपको बताए। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो अभी लाइक करिएगा और ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं कि पूरे मैच का रिव्यू लेकर आए तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।